हेलो एंड वेलकम टू सुपर एस क्लासेज आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री एम सी क्यू सेशन विच यू आर गेटिंग ऑन दिस फ्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म ट्रिपल एस जैसा कि हमने पिछले सेशन में कुछ एम सी क्यूज डिस्कस किए आपके साथ आज हम फिर से क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ और एम सी क्यूज़ आपके साथ डिस्कस करें करेंगे एंड आई होप आप अटेंटिव रहें एंड मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन आप अटैप्ट कर पाओ सो बिगिनिंग टुडेज आई एम सिक्यू सेशन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए इक्विटोरियल ऑप्शन बी ट्रॉपिकल ऑप्शन सी सब ट्रॉपिकल मानसून ऑप्शन डी टाइगर आई होप आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा आपने राइट right आंसर इसका गेस किया होगा द करेक्ट आंसर The right answer to question number first is option C, that is subtropical monsoon. Moving on to question number two. Question number two here is most of the tropical cyclones in India originate from option A, Indian Ocean, option B, Arabian Sea, option C, Bay of Bengal, and option D, Pacific Ocean. I hope. आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू आयर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज इन द बे ऑफ बंगाल मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप सी द रीज़न इज दैट अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये वो रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल दिस एरिया रिसिवज़ हायर रेनफॉल मैक्सिमम रेनफॉल एंड एक और एडवांटेज इसका है कि जो द वाटर फ्रॉम रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विच गेट इन दिस बे ऑफ बंगाल दिस वाटर इज़ फ्रेश वाटर एंड जैसे ही फ्रेश वाटर इन बे ऑफ बंगाल वहाँ पे क्या होता है दस uh, द वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर डोंट गेट मिक्सअप एंड बिलो डिप्रेशनस डेवलप नहीं हो पाते जिससे क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोनस गेट डेवलप दिस इज़ द रीज़न कि इसमें फ्रेश वाटर कमिंग फ्राम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स गेट्स इन द बे ऑफ बंगाल दिस इज़ द रीज़न अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो अबाउट फिफ्टी परसेंट अगर हम हंड्रेड परसेंट साइक्लोन्स की बात करें उनमें अगर हम फिफ्टी एट परसेंट परसेंट साइक्लोन्स की बात करें फिफ्टी एट परसेंट ऑफ द साइक्लोन्स अप्रोक्सीमेटली रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो मेयरली अबाउट ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द साइक्लोन्स रीच द कोस्ट ऑफ इंडिया सो ऑप्शन सी बे ऑफ बंगाल इज द राइट आंसर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया ऑप्शन ए मोसिंड्रम ऑप्शन बी चेरापूंजी ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी केरला कोस्ट आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑप्शन ए दैट इज मोसिंड्रम एंड दिस मोसिंड्रम दिसेज इन मेघालय मेघालय का एक विलेज है ये इन ईस्ट खासी हिल्स जो कि खासी हिल्स में एक विलेज है ये मौसिन एंड दिस इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया हैविंग एनअल रेन फॉल ऑफ अबाउट वन वन एट सेवन टू एम एम इतना रेनफॉल होता है मौसिनम में दिस इज़ द वेटेस्ट प्लेस एंड दिस इज़ इन द स्टेट ऑफ मेघाल रिमेम्बर दिस moving on to question number four. question number four here is winter precipitation in north india is due to option a, southwest monsoon. option b, northeast monsoon. option c, western disturbances. and option d, polar easterlies. i hope a typical question here and also correct answer, correct option tick kar liya hoga. the correct answer to your question number four is option c, that is, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिज एंड आजकल जितने भी न्यूज़ चैनल्स होंगे वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस का चर्चा जरूर होगा दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन विच कॉज इन दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसिस दैट कॉज रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया एंड स्नोफॉल इन हिमालयन रिजन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हियर इज इंडिया रिसीव मैक्सिमम रेन फ्रॉम ऑप्शन ए साउथ वेस्ट मानसून ऑप्शन बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल मॉनसून। आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर फाइव इज ऑप्शन ए दैट इज़ साउथ वेस्ट मॉनसून। इंडिया रिसीव मैक्मम रेन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून

arabian sea and option d mediterranean sea and the correct answer to our question number 6 is option d that is mediterranean sea from mediterranean sea these winds get developed these western disturbances and these cause winter precipitation over north india moving on to question number 7 question number 7 here is consider the following statements option a e, wind patterns are clockwise remember this in northern hemisphere and anti clockwise in southern hemisphere statement second the direction of wind pattern in both hemispheres are governed or get affected by coriolis force which of the above statements is or correct option a one only option b one and two option c two only and option d नई इधर वन नॉर टू आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आई होप आप सभी ने यहाँ पे करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन कैस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टूअर क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑप्शन बी दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन बोथ हेमिसफेयर्स कोरियोअल फोर्स एफेक्ट द विंड पैटर्न विंड डायरेक्शन एंड इन दिन पैटर्न इज क्लॉक वाइज इन नॉर्दर्न हेमस्फेयर एंड This is anti-clockwise in Southern Hemisphere. Moving on to question number eight. Question number eight here is, the seasonal reversal of winds is a typical characteristic of option A, Mediterranean climate, option B, Savanna climate, option C, Equatorial climate, and option D, Monsoon climate. Again, this is a factual question, typical question. I hope apsa been a correct answer. करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज मॉनसून क्लाइमेट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन हियर इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट फर्स्ट दि साइक्लूनज डेवलप बिटवीन थर्टी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री लैटिट्यूड ड्यू टू कन्वर्जेंस बिटवीन टू कंट्रास्ट एयर एयरमास स्टेटमेंट सेकेंड these cyclones are also called as dynamic cyclones statement third the formation of these cyclones is known as frontogenesis which of the following type of cyclone is referred in the above statement option a tropical cyclones option b tornadoes option c temperate cyclones and option d hurricanes i hope आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू एयर क्वेश्चन नंबर नाइन इज ऑप्शन सी दैट इज टेम्परेट साइक्लोन्स दिस टेम्परेट साइक्लोन्स आर आल्सो नोन एज डायनामिक साइक्लोन्स एंड देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्रॉन्टोजिनेसिस एंड बाय द एंड ड्यू टू कन्वर्जेंस बिटवीन कंट्रास्ट एयर मासिस दीज साइक्लोन्स गेट डेवलप्ड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हियर इज विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्ज रेन फॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून ऑप्शन ए तमिलनाडु ऑप्शन बी केरला ऑप्शन सी अंडमन एंड निकोबार एंड ऑप्शन डी बंगोल आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गैस कर लिया होगा The correct answer to question number ten is option C, that is, Andaman and Nicobar. Moving on to question number eleven. Question number eleven here is: Retreating monsoons winds result in clear skies, high temperature, and high humidity. This state of weather is known as option A, Bardoli Chera. Option B, El Nino effect. Option C, October heat. Option D. काल बैसाखी आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू या क्वेश्चन नंबर एलेवन इज ऑप्शन सी दैट इज अक्टूबर हीट अक्टूबर हीट क्या होता है जैसे ही मानसून रिट्रीट करते हैं फ्रॉम इंडिया क्या होता है क्लियर सिकाइज होते हैं हाई टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी एंड दिस इज़ नोन एज अक्टूबर हीट Moving on to question number 12. Question number 12 here is the word monsoon has its origin in which language? Option A Persian, Option B Hindi, Option C Arabic, and Option D Portuguese. I hope you have a correct answer, correct option. Tick, guess, guess. The correct answer to question number 12 is option C that is Arabic. This is the original word is Mausim, which is an Arabian word, and the meaning of this word is seasons. And from this Mausim, this monsoon word is derived. Now, question number 13 here is Which of the following determine the climate of a region? Option A, latitude, Option B, ocean currents. ऑप्शन सी रिलीफ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव डिटरमाइन क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन मोर ओवर ऑल्टीट्यूड ऑल्सो डिटरमेनज दैट इज हाइट द सी लेवल दिस डिटरमाइन इज क्लाइमेट ऑफ ए रीजन Local winds also affect and nearness to oceans also affect climate of a particular region. Moving on to question number 14. Question number first 14 here is the wind that blows over northern plains in summers is known as option A. Trade winds, option B, Low, Option C Kal Option D, all of the above. I hope. आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज दिस दिस इज ए ड्राइव इट एंड ओकेजनली इट फ्लोज फ्रॉम थार डेजर्ट विच इज इन राजस्थान एंड इट फ्लोज ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इट काज इज हीटिंग इफेक्ट दैट इज बहुत ज़्यादा हीट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है इन विंड्स से दीज आर दिस डस्टी वार्म एंड ड्राई विंड्स मूविंग ऑन टू आयर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाई साइक्लोन ग्लॉब ऑप्शन ए बांग्लादेश ऑप्शन बी इंडिया ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी नेपाल आई होप आप सभी ने करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा गेस कर लिया होगा द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज ऑप्शन बी दैट इज इंडिया दिस साइक्लोन ग्लॉब प्रोबली इट केम इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर दिस ईयर इन सेप्टें्बर ट्वेंटी नियर अबाउट सेप्टें्बर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स को ये साइक्लोन आया था साइक्लोन ग्लॉब एंड दिस साइक्लोन एफेक्टेड द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश दिस साइक्लोन ग्लॉब एंड दिस वॉज नॉट नेम्ड बाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बट द नेम साइक्लोन ग्लॉब वॉज गिवन बाय आवर नेबर पाकिस्तान राइट एंड अगर हम रीसेंटली साइक्लोन्स की बात करें तो रिसेंटली एक और साइक्लोन हिट किया कौन जिसका नाम था साइक्लोन Shaheen. this is again important from example perspective and this cyclone Shaheen affected Pakistan, Iran, Oman and United Arab Emirates. and this was devastating cyclone destroyed this destroyed Iran number of people got killed right? एंड दिस अफेक्टेड वर्सली अफेक्टेड दीज कंट्री एस्पेश ईरान एंड इराक एंड अगर हम रिसेंट साइक्लूनस की बात करें दैट हिट इंडिया दीज आर इन ट्वेंटी 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 वन टोक्टे यास निसारगा निसारगा एंड साइक्लून अम्फान आई होप आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा आपके जितने भी एग्जाम्स में जिनमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के रिलेट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इन एम से तो आप वो अच्छे से अटम्प्ट कर पाओ थैंक्स हैव ए गुड डे